Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So continuing with the chemical thermodynamics series, अब हम chemical thermodynamics के mathematical portion को discuss कर रहे हैं, ठीक है? Last video में हमने Cp minus Cv को derive किया था mathematically और उसके कुछ terms की importance भी समझी थी कि उनकी importance क्या है. अभी और at the end of that video हमने कुछ factors की बात करी थी, जैसे कि expansion coefficient की बात करी थी हमने, compressibility factor की बात करी थी. ठीक है, ये था हाउ द वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ टेम्परेचर. ठीक है, और ये था कि हाउ द वॉल्यूम इज चेंजिंग विथ प्रेशर. ओके, और यहाँ पर नेगेटिव साइन था क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से हमारा जो वॉल्यूम है वो होता है कम, तो ये नेगेटिव टर्म बन जाती है, इसलिए कापा को पॉजिटिव करने के लिए हमको इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना था. एक और टर्मिनोलॉजी है गामा. ठीक है, गामा जो है वो एक्चुअली में प्रेशर चेंज बताता है विद टेम्परेचर. ठीक है, ये पैरामीटर है कांस्टेंट वॉल्यूम, हाउ द प्रेशर इज चेंजिंग विद टेम्परेचर. तो ये भी एक टर्म है जो कि यूज में आती है, हालांकि इसका कोई सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, बट कभी कभी आपके जैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है तो कभी कभी गामा की रिलेशन पूछ लेते हैं अल्फा और कापा से. ठीक है, अभी देखिए क्या है, हमारे पास गामा एक्सप्रेशन पता है कि प्रेशर चेंज विद टेम्परेचर है, बाकी इनमें तो वॉल्यूम चेंज है दोनों में, वन विद टेम्परेचर एंड वन विद प्रेशर, बट ये है प्रेशर चेंज विद टेम्परेचर. ठीक है, और हमें ये एक्सप्रेशन पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम साइक्लिक रूल को यूज करके इसका रिलेशन निकाल सकते हैं अल्फा और कापा के साथ. ठीक है, तो ये भी कभी कभी प्रूफ करने के लिए आता है, बस केवल आपको पता होना चाहिए कि गामा का एक्सप्रेशन क्या है और फिर इजी है साइक्लिक रूल से आपको इसको प्रूफ करना है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दैट. ओके, अब हम इस वीडियो में एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे. ठीक है, तो देखिए इनिशियली जब हमने आइडियल गैस की बात करते हैं, ठीक है, सपोजिटली मैं इसका पीवी ग्राफ बना रहा हूं और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहां से यहां फाइनल प्रेशर पे गया है पी टू में, ठीक है, ये आइसोथर्मल है. तो हमने डिस्कस किया कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जितना भी एरिया इस ग्राफ के अंडर आ रहा है उसे हम वर्क डन कहते हैं. ठीक है, अब सपोजिटली हमारा जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल ना होकर एडियाबेटिक है. ठीक है, अब हमारा प्रोसेस है एडियाबेटिक और मैक्सिमम वर्क डिराइव करने के लिए हम इसको एडियाबेटिक रिवर्सिबल कर देते हैं. ठीक है, मैक्सिमम वर्क डिराइव करने के लिए. अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, देखिए आइसोथर्मल में तो क्या हो रहा है कि हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है. ठीक है, जैसे वॉल्यूम में बढ़ा, ये फाइनल वी टू है, ये है हमारा वी वन. ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ, यही हमारा रिलेशन है. ठीक है, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू. अब हम जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो देखिए वॉल्यूम तो यहां पर भी बढ़ रहा है, तो एक फैक्टर तो दोनों में कॉमन है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए प्रेशर तो दोनों चीजों में कम होगा ही होगा. बट एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज करता है. ठीक है, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस. बाय टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, देखिए हमारे पास कहीं से भी एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो अगर हमारे गैस को कुछ काम करना है तो वो अपने एनर्जी के, अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसी को यूज कर वो काम करेगी, और अगर वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके कुछ काम कर रही है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो गैस का जो टेम्परेचर है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इट विल डिक्रीज. सो हेंस देर आर टू फैक्टर्स, वन इंक्रीज इन वॉल्यूम विच विल डेफिनेटली डिक्रीज द प्रेशर एंड अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीज द प्रेशर, क्योंकि आइडियल गैस के लिए जो हमारा प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. हेंस देर आर टू थिंग्स विच आर डिक्रीजिंग द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यहां पर एक ही था. तो अल्टीमेटली क्या इसका हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, दैट एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा जो प्रेशर है, फाइनल प्रेशर है वो आइसोथर्मल, सेम वॉल्यूम के लिए हमारा जो फाइनल प्रेशर है वो आइसोथर्मल से कम होगा. तो अगर मैं यहां पर एडियाबेटिक ड्रॉ करूं तो प्रेशर जो एडियाबेटिक का है वो हमारा आइसोथर्मल से कम होगा. क्यों, हम इसको थ्योरेटिकली देख रहे हैं, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, क्योंकि प्रेशर भी कम हो रहा है. अगर आप एरिया की बात करेंगे, एरिया डेफिनेटली फ्रॉम ग्राफ इटसेल्फ क्लियर हो रहा है कि एडियाबेटिक के अंदर जो एरिया है वो कम है कंपेयर टू आइसोथर्मल, हेंस वर्क डन जो होगा एक्सपेंशन के दौरान वो आइसोथर्मल में ज्यादा होगा कंपेयर टू एडियाबेटिक. ये चीज हमें ग्राफ से क्लियर हो रही है, और एडियाबेटिक प्रेशर कम होगा ये हमने कंसेप्चुअली देख लिया.
ठीक है, और अभी इसी चीज को हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि व्हाट इज द रीजन। और ये ग्राफ जो है, जैसे ये ग्राफ तो है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ है। अब ये ग्राफ किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? डेफिनेटली पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स विच इज ऑल्सो प्लेइंग सम रोल, ठीक है, कुछ फैक्टर और आ रहा है इस ग्राफ में जो कि इसकी स्टीपनेस को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हमें यही प्रूव करना है इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, हमने जो प्रोसेस लिया है, पहली बात तो हमने जो प्रोसेस लिया है वो लिया है एडियाबेटिक। तो पहली बात यही दिमाग में आनी चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, ओके। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट लॉ को यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ यूज किया डी यू विच इज स्मॉल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू डी क्यू स्मॉल चेंज इन हीट। अभी हम डी लिख रहे हैं क्योंकि स्मॉल चेंज को बोला है, अगर तो चेंज बोलते तो केवल क्यू लिखना होता क्योंकि क्यू इटसेल्फ इज अ चेंज, ये मैं अपनी पिछले कई वीडियो से बोलता आ रहा हूं, ठीक है। माइनस पी डीवी एंड वी आर टॉकिंग ऑफ वर्क ओनली पीवी वर्क, ठीक है। तो पीवी वर्क है तो पी एक्सटर्नल ही आएगा यहां पर, ओके। अभी देखिए हमने बात करनी है आइडियल गैस के लिए, जो हमने प्रीवियसली ग्राफ पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज फॉर आइडियल गैस, ओके। तो अभी हम यहां पर भी आइडियल गैस की बात करेंगे, ठीक है। अब जब हमने आइडियल गैस की बात करी देख करेंगे तो दो चीजें यहां पर आ रही है, एडियाबेटिक है तो डी क्यू जीरो, तो इसलिए आएगा हमारा डी यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल पीवी। और क्योंकि हमारा ये आइडियल गैस है तो इसका डी यू जो होगा इंटरनल एनर्जी को हम लिख सकते हैं एन सीवी डी टी। अगर ये आइडियल गैस नहीं होता तो साथ में इसके साथ डेल यू बाय डेल वी की टर्म भी आती, ठीक है, जो कि आइडियल गैस के लिए जीरो है डीवी, ठीक है, ये टर्म भी आती, बट ये टर्म यहां पर नहीं आएगी क्योंकि आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस की तो वो टर्म जीरो है इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम केवल यहां पर डेरिवेशन लेके आए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब यहां पर एक कंडीशन और है कि हम इस प्रोसेस को एडियाबेटिक रिवर्सिबल कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज भी देखनी है कि हम जो इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबली स्टडी कर रहे हैं, अगर तो हमारा इरिवर्सिबल होता तो इसके फर्दर हम और सॉल्व नहीं कर सकते, अगर हमारा इरिवर्सिबल होता तो मतलब यहीं पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो रुक जाता है, फिर हमें जो गिवन वैल्यूज है उनको वहां पुट करना होता, बट ये रिवर्सिबल है तो हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, अगर आपके माइंड में आ रहा है तो प्लीज मन में सोचिए कि क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, हम पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल पुट कर सकते हैं, क्यों, रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल मतलब हम स्मॉल चेंजेस के साथ आ रहे हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर को धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं ताकि एक्सपेंशन हो, तो धीरे धीरे कम करने का हमारा मेजर फंडा ये है कि ताकि हमारा जो इंटरनल प्रेशर है दैट बिकम्स इन इक्विलिब्रियम, दैट कम्स इन इक्विलिब्रियम विद द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, तो हम अल्टीमेटली एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर से इक्वेट कर सकते हैं, तो दिस इज व्हाट गिव्स अस फर्दर ओनली व्हेन इट इज रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल की वजह से हो रहा है, तो पी इंटरनल डीवी, और पी इंटरनल को हम लिख सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस एनआरटी बाय वी, ओके। अब ये एन और एन कट गया, टी को यहां पर लेके आइए, बाई टी इज इक्वल टू माइनस आर बाय वी डीवी, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन अगर हम इसको कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये आएगा सीवी लॉग नेचुरल टी इज इक्वल टू माइनस आर लॉग नेचुरल वी, ठीक है। तो अभी हम इसको फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं लॉग नेचुरल, अभी से टी को मैं ना इंटीग्रेशन को टी वन से टी टू लेके जाता हूं और वॉल्यूम को भी वी वन से वी टू लेके जाता हूं, इंटीग्रेशन सपोज इफ मैंने ऐसे करी है तो अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है वो है टी टू बाय टी वन, ये आ जाएगा सीवी, और देन हमारे पास आएगा माइनस क्या आर लॉग नेचुरल वी टू बाय वी वन, ओके। अभी हम क्या इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, माइनस को यहां पर लेके जाइए
सीवी को टॉप पे लेके जाइए, लॉग नेचुरल टी टू बाई टी वन रेस टू द पावर सीवी, बिकॉज दिस कैन हैपन व्हेन लॉग नेचुरल इज देयर। जनरल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्चुअल बात नहीं है, ठीक है। नेगेटिव यहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल वी वन बाई वी टू, और आर को हम पावर में लेके जाते हैं, ठीक है। तो लॉग नेचुरल कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा टी टू बाई टी वन रेस टू पावर सी वी इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू रेस टू पावर आर, ओके। अब हम आर को रिप्लेस करते हैं, इससे हमें एक चीज पता है कि गामा, मतलब ये गामा वो नहीं है जो मैं अभी बात करी, ये गामा अलग से एक रेशियो है सीपी बाई सीवी की, सीपी बाय सीवी, ठीक है। अब मैं अगर गामा माइनस वन करूं तो क्या होगा, सीपी माइनस सीवी बाय सीवी, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये अलग से डिराइव कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू आर बाय सीवी, ओके। सो आर विल बी इक्वल टू गामा माइनस वन इंटू सीवी, ठीक है। तो अगर हम आर को पुट करें तो आर को हम पुट कर सकते हैं सीवी इंटू गामा माइनस वन, ठीक है। तो ये चीज हमारी अभी डिराइव होगी, और सीवी से सीवी कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, टी टू बाय टी वन रेस टू द पावर नथिंग रेस टू द पावर फिर वी वन बाय वी टू रेस टू द पावर गामा माइनस वन। और अब हमारे पास आ गया डिजायर्ड हमारा इक्वेशन, क्या T1 और T2 को हम इक्वेट कर देते हैं, तो T2 और V2 को इक्वेट करते हैं, तो T2 V2 रेस टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T1 V1 रेस टू द पावर गामा माइनस वन। सो दिस इज एन इक्वेशन विच वी आर गेटिंग फॉर आइडियोमेटिक प्रोसेस, ठीक है, आइडियोमेटिक एक्सपेंशन के लिए। अगर मैं यहां पर इसको कांस्टेंट कर दूं, मतलब इसका मतलब ये है कि T और V रेस टू पावर गामा माइनस वन इज अ कांस्टेंट, ओके, ठीक है। तो अगर मैं मुझे यहां पर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिलेशन निकल रहा है, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ये हमने निकाला किसके लिए, ये हमने निकाला है आइडियल गैस के लिए, और वो भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, इन दोनों का रिवर्स रिलेशन होगा, क्योंकि अगर मैं टी को यहां पर ले जाऊंगा तो वन बाई टी का जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा कम, और यही हमारा एक्सपेंशन में होता है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन में होता है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। सिमिलरली हम पी और वी का रिलेशन निकाल सकते हैं यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, कैसे, टी को रिप्लेस कर दीजिए यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, तो वो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू पी वी बाय आर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा पी वी बाय आर इंटू वी रेस टू पावर गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, ओके। अल्टीमेटली व्हाट विल गेट, आर को यहां से कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नया कॉन्स्टेंट मिलेगा, और वी वन है ये माइनस वन है, तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा पी वी रेस टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन है जो हमें रिसीव हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि टी और पी का रिलेशन निकालिए, टी और पी का क्या रिलेशन होगा, तो ये भी आप निकाल सकते हैं, या आप अपने ऐसे खुद ट्राई कीजिए कि टी पी का रिलेशन क्या आएगा। केवल क्या करना है, देखिए कुछ सिंप्लीफाई ये करना है कि यहां पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में लिख दो आइडियल गैस के लिए, या फिर यहां पर लिख दीजिए वॉल्यूम को प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में, तो अल्टीमेटली आपको रिलेशन मिल जाएगा टेम्परेचर और प्रेशर का, ठीक है। तो अभी हम ये डिजायर कर रहे थे, हमने एडियाबेटिक के लिए देखा था ये, और हमारा जो आइसोथर्मल का था वो तो हमारा ये था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब देखिए यहां पर तो अल्टीमेटली हमें वही मिल रहा है कि हमारा जो कर्व है, अगर हम पी और वी की बात करेंगे, जैसे पी जो है यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, और यहां पर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेस्ट पर गामा है, तो इसका मतलब जो स्टीपर है ये वाला कर्व जो है वो स्टीपर होगा, यहां पर ज्यादा डिक्रीज आएगा हमारे
हमारे प्रेशर में, जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादा डिक्रीज आएगा हमारे प्रेशर में। तो ये चीज हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हमारा प्रूव हो गया कि गामा एक टर्म है और गामा की वैल्यू जो है वो वन से ज्यादा आएगी, क्योंकि गामा है सीपी बाय सीवी, ठीक है। और अगर सीपी बाय सीवी है इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो वन से ज्यादा होगी, क्योंकि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। तो अल्टीमेटली गामा की वैल्यू वन से ज्यादा आएगी, इसीलिए एडियाबेटिक का जो कर्व है वो मोर स्टीपर जाएगा एंड हेंस वर्क डन जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस में कम होगा। देखिए हम रिवर्सिबल की बात कर ली, अभी हम सेम में, तो ये तो हमारा था पीवी आइसोथर्मल के लिए, ये हमारा था एडियाबेटिक के लिए पीवी, ये हमारा आइसोथर्मल के लिए था, ठीक है। पी वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। अब देखिए हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए बात करी, रिवर्सिबल में तो सारा एरिया हमने कवर कर लिया। अगर हम इरिवर्सिबल की भी बात करें, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की भी बात करें, तो क्या होगा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा, अगर आप देखें एक्सपेंशन में, तो यहां पर एडियाबेटिक का केवल इतना वर्क होगा और आइसोथर्मल का उतना होगा। तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में भी एडियाबेटिक प्रोसेस में जो काम है वो कम ही हो रहा है, यानी कि एक जनरल टर्म बन गया, ठीक है, कि वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, वेदर द एक्सपेंशन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में तो ऑब्वियसली रिवर्सिबल से कम काम मिलेगा एक्सपेंशन में, बट आइसोथर्मल से कम है एडियाबेटिक का, और सेम चीज रिवर्सिबल में भी थी। रिवर्सिबल एक्सपेंशन के दौरान एडियाबेटिक में काम कम था, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी, वही हमने मैथमेटिकली भी देखी और यही हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखा इसका, ये फिजिकली क्या है, ठीक है। तो बाकी आप मैथमेटिक्स अगर आप और करना चाहें इसमें कि पी वन जैसे वॉल्यूम चेंज था, सेम कर्व को अगर आप वॉल्यूम के लिए भी अगर आप स्टडी करना चाहेंगे, जैसे ये तो हमने तो वॉल्यूम फिक्स कर दिया था कि सपोजिटली इस वॉल्यूम तक पहुंचना है, तो तब हमने ये P1 ये है, P2 और P2 ये आइसो और ये आइडिया, हमने वॉल्यूम फिक्स किया था। सपोजिटली हम फाइनल वॉल्यूम फिक्स ना करके फाइनल प्रेशर फिक्स कर रहे हैं, तब क्या होगा, तो प्रेशर फिक्स कर दीजिए। तो अगर प्रेशर फिक्स करेंगे तो ये वॉल्यूम है आइसोथर्मल की और ये वॉल्यूम है एडियाबेटिक की, और तब भी उस केस में क्या होगा, तब भी क्या होगा, देखिए एडियाबेटिक का जो अभी भी ग्राफ है वो छोटा ही है, मतलब जो वॉल्यूम है वो छोटी ही है कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो तब भी अगर हमारा प्रेशर भी हमारा कॉन्स्टेंट कर दे फाइनल प्रेशर, तब भी हमारा जो वॉल्यूम होगा वो आइसोथर्मल का ज्यादा आएगा कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एडियाबेटिक, ठीक है। इस ग्राफ से ये चीज डेफिनेटली क्लियर हो रही है, और आप सेम चीज आप पीवी रेशियो पर गामा के कर्व से भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी डिराइव कर सकते हैं, पर ग्राफ से समझ ज्यादा अच्छे से आता है। तो ये चीज हमको क्लियर है यहाँ पर ग्राफ से भी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो वर्क डन है वो यहाँ पर भी है, अगर हम फाइनल वॉल्यूम को भी फिक्स करते हैं तभी हमारा वर्क डन जो है वो आइसोथर्मल में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सब कंसेप्ट है, मैथमेटिकल है प्योर, ज्यादा इसमें डीपर कोई और एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है। ये चीज पर हमको पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज भी हमको समझ में आनी चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।